हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लाए हैं आपके सामने तीन बहुत ही बेहतरीन इलेक्ट्रिक स्कूटर का कंपैरिजन, जिसमें हम बात करेंगे TVS iQube के सबसे फर्स्ट मॉडल की, नेक्स्ट हम बात करेंगे TVS iQube S मॉडल की, और लास्ट हम बात करेंगे TVS iQube ST मॉडल की। पूरे प्राइसिंग से लेकर एंड तक बताऊंगा फ्रेंड्स, कोई भी डाउट आज आपका नहीं रहने वाला है, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे सारे डाउट। और अगर आप इन तीनों में से कोई भी एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने की सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। तो फटाफट चलते हैं और जानते हैं इनकी स्पेसिफिकेशन क्या क्या है, प्राइसिंग क्या क्या है, और आपको इजीली अवेलेबल कैसे मिल जाएंगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइसिंग की। तो फ्रेंड्स, TVS iQube के प्राइस की बात करें तो आपको 1,23,780 रुपए का, ये दिल्ली का ऑन रोड प्राइस है, तो 1,23,780 रुपये में आपको ये ऑन रोड मिल जाएगी। दिल्ली के हिसाब से आप अपने स्टेट के हिसाब से 2-4 हज़ार इधर उधर कर सकते हैं। और अगर हम कंपेयर करें इसके साथ ही TVS iQube S के प्राइस को, तो TVS iQube S मॉडल जो है वो आपको पड़ेगा ऑन रोड प्राइस जो है वो 1,38,880 रुपये, तो 10,000 से ऊपर का डिफरेंस आ गया है फ्रेंड्स। और लास्ट मॉडल की बात करें, यानी कि जिसकी जिसकी बुकिंग अभी अभी क्लोज हुई है, उसकी बात करें तो वो आपको ऑन रोड पड़ेगा 1,60,970 रुपीज़ का। तो ये है इनके प्राइसिंग की बात फ्रेंड्स। अब चलते हैं इनकी टॉप स्पीड की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले अगर हम TVS iQube की बात करें, तो TVS iQube में आप लोगों को 78 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिल जाती है, जो कि कंपनी क्लेम करती है, बट हमने इसे 76 तक तो आराम से भगाया हुआ है फ्रेंड। तो 76 तो मान के चलिए कि 75 से ऊपर तो ये देगी ही देगी। इसके साथ अगर हम कंपेयर करें TVS iQube S मॉडल की, तो उसमें भी कंपनी 78 क्लेम करती है और वो भी 76 तक आराम से चली जाती है। बट अगर हम जो TVS iQube ST मॉडल है उसकी बात करें, तो उसमें कंपनी ने क्लेम की है 82,000 की, और आप मान के चलिए कि 80 तो उसमें मिलेगी ही मिलेगी। अब बात करते हैं इनकी एक्सेलरेशन की फ्रेंड्स, तीनों में से किसका एक्सेलरेशन बेटर है। तो सिर्फ 4.2 सेकंड्स में ये आपको 0 से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे देंगी। तो एक्सेलरेशन के मामले में तीनों ही बहुत गजब की हैं, बहुत ही मज़ेदार पिकअप है इनका, और कोई भी जर्क नहीं है जैसे कि आपको अलग इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में देखने को मिल रहा होगा, ऐसा जर्क इसमें बिल्कुल नहीं है, और ये एक्सेलरेशन तीनों में ही सेम है फ्रेंड्स। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी रेंज की, यानी कि पर चार्ज पर कितने किलोमीटर चलेगी। तो अगर हम बात करें TVS iQube मॉडल की, तो TVS iQube जो कंपनी ने क्लेम की है फ्रेंड्स, वो है 100 किलोमीटर पर चार्ज की, बट सच्चाई ये है कि आपको 85 से 90 किलोमीटर पर चार्ज की रेंज ये दे देती है, तो 100 से नीचे ही मिलेगी, 85 मानकर चलिए। अगर आप थोड़ा रफ ड्राइविंग करते हैं तो आपको अराउंड 80 के आसपास इसमें रेंज मिल जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें TVS iQube S मॉडल की, तो उसमें भी सेम कंपनी क्लेम करती है, यानी कि कंपनी क्लेम करती है 100 किलोमीटर पर चार्ज की रेंज, बट उसमें भी आपको इतनी ही रेंज मिलेगी क्योंकि दोनों में ही सेम बैटरी कैपेसिटी है। बट अगर हम बात करें TVS iQube ST मॉडल की, तो उसमें कंपनी क्लेम कर रही है 145 किलोमीटर पर चार्ज की रेंज, तो उसमें आप मान कर चलिए कि 130 किलोमीटर पर चार्ज की रेंज तो आपको बहुत ईजिली देखने को मिल जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी रेंज है, यानी कि बहुत ही कम गाड़ी है इतनी रेंज प्रोवाइड कर रही हैं, तो उसमें TVS iQube ST का काफ़ी अच्छा टक्कर रहेगी। अब चलते हैं वेट की बात करते हैं फ्रेंड्स, कि कौन सी गाड़ी आपको भारी है और कौन सी गाड़ी चलाने में बहुत हल्की है और ईजी ड्राइविंग है। तो अगर हम कंपेयर करें TVS iQube मॉडल को, तो TVS iQube मॉडल का जो वेट है वो है 117.2 kg, यानी कि 117 kg की आपको ये पड़ जाएगी गाड़ी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें, तो TVS iQube S मॉडल जो है उसमें बस 1 ही किलो का वेट बढ़ा है, कि उसका जो वेट है आपको मिलेगा 118 kg, तो 118 किलो की ये आपको देखने को मिल जाएगी। बट अगर हम बात करें TVS iQube ST मॉडल की, तो TVS iQube ST मॉडल आपको 128 kg का मॉडल है फ्रेंड्स, ये गाड़ी थोड़ी सी भारी है, तो चलने में भी इसमें एक बहुत ही मज़ा आने वाला है इसकी ड्राइविंग में, क्योंकि ये गाड़ी जमकर चलेगी रोड पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ इसके फीचर्स की फ्रेंड्स। अगर हम इसके टेलीस्कोपिक सस्पेंशन की बात करें, तो फ्रेंड्स अगर हम सस्पेंशन की बात करें, तो इसमें
तीनों में ही टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है और रियर्स में आपको हाइड्रोलिक ट्विन ट्यूब शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। रियर में तो शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन मिलेगा और फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा, तो सस्पेंशन के मामले में गाड़ी काफ़ी कंफर्टेबल रहेगी और खड्डों का ज़्यादा पता नहीं लगता है। जैसे कि हमने TVS iQube मॉडल और TVS iQube S मॉडल चलाया हुआ है, काफ़ी अच्छे सस्पेंशन हमें देखने को मिले हैं फ्रेंड्स। चलिए अब बात कर लेते हैं बैटरी कैपेसिटी की। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें TVS iQube मॉडल की, तो उसमें आपको लिथियम आयन की 3.04 किलोवाट आर की बैटरी कैपेसिटी मिल जाएगी, जो कि वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस है विद IP67 के तहत। इसमें आपको 52 वोल्ट की वोल्टेज देखने को मिल जाएगी और अगर सेफ्टी की बात करें तो BMS कंट्रोल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम इसमें देखने को मिल जाता है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें TVS iQube S मॉडल की, तो उसमें भी आपको लिथियम आयन की 3.04 किलोवाट आर की बैटरी कैपेसिटी मिल जाएगी, जो कि सेम वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस IP67 से प्रूव्ड है और इसमें भी आपको 54 वोल्ट की एक बैटरी देखने को मिलेगी, जिसमें आपको BMS कंट्रोल प्रोटेक्शन सिस्टम देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें TVS iQube ST की, उसमें आपको लिथियम आयन बैटरी मिलेगी बट बैटरी कैपेसिटी ज़्यादा मिलेगी फ्रेंड्स। उसमें आपको 4.56 किलोवाट आर की एक बैटरी कैपेसिटी मिल जाती है, जो कि वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस है IP67 से एंड 52 वोल्ट की इसमें आपको वोल्टेज देखने को मिल जाती है और इसमें भी आपको एक BMS कंट्रोल प्रोटेक्शन सिस्टम मिल जाता है। बैटरी कैपेसिटी सिर्फ TVS iQube ST मॉडल की ज़्यादा है, बाकी TVS iQube S मॉडल की एंड TVS iQube जो फर्स्ट मॉडल है उसकी बैटरी कैपेसिटी बिल्कुल सेम है फ्रेंड्स। चलिए अब चलते हैं चार्जिंग टाइम की तरफ, क्योंकि सबको आजकल बहुत जल्दी चार्जिंग चाहिए, तो चार्जिंग टाइम एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है, एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। तो अगर हम बात करें TVS iQube के चार्जिंग टाइम की, तो TVS iQube 4 घंटे 30 मिनट में आपको फुल चार्ज मिल जाएगी, जिसमें आपको 650 वॉट की एक चार्जर मिलेगा, उससे आपकी गाड़ी 4 घंटे 30 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें TVS iQube S की, तो वो भी फ्रेंड्स आपको 4 घंटे 30 मिनट में यानी कि 4.5 घंटे में फुल चार्ज मिल जाएगी। बट अगर हम बात करें iQube ST मॉडल की, तो वो आपको 4 घंटे 6 मिनट में फुल चार्ज मिल जाएगी फ्रेंड्स, और 2 घंटे 30 मिनट में आपको जो इसका फास्ट चार्जिंग वाला ऑप्शन है उसमें ये फुल चार्ज मिल जाएगी, क्योंकि उसमें 1500 वॉट की एक बहुत अच्छा चार्जर दिया गया है, तो उसमें फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी आपको अवेलेबल होगा, जिसमें आपकी गाड़ी 2 घंटे 30 मिनट यानी कि पूरे 2.5 घंटे में फुल चार्ज होकर मिल जाएगी। ये काफ़ी अच्छा फीचर है फ्रेंड्स, क्योंकि चार्जिंग टाइम अगर कम हो जाए तो हम बहुत ईजिली गाड़ी को लॉन्ग ड्राइव पर भी ले जा सकते हैं। तो TVS iQube मॉडल में यानी कि जो इनका नया मॉडल आ रहा है TVS iQube ST, उसमें इन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए हैं और ये चेंजेस काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे आम पब्लिक के लिए। अब बढ़ते हैं लाइटनिंग की तरफ। तीनों में ही आपको LED लाइटनिंग देखने को मिल जाएगी, जिसमें हेडलैम्प भी LED होगा और टेल लैम्प भी LED होगा, और नंबर प्लेट लैम्प जो आता है वो भी LED मिलेगा, सिग्नेचर पोजिशन लैम्प आता है वो भी LED मिलेगा। तो फ्रेंड्स इसमें आपको प्रॉपर LED लाइटनिंग देखने को मिल जाएगी, जो कि इसका एक खूबसूरत लुक प्रोवाइड करती है, जिससे इसकी यानी कि लुकिंग की जो नाइट में इसकी लुकिंग है वो और ज़्यादा बेटर देखने को मिल जाती है। चलिए अब चलते हैं कनेक्टिविटी की तरफ, क्योंकि आजकल सब इलेक्ट्रिक स्कूटर्स अपनी कनेक्टिविटी का ऑप्शन मोबाइल के थ्रू यानी कि अपनी ऐप के थ्रू दे रहे हैं फ्रेंड्स। तो इन्होंने भी सेम किया है, इनकी एक TVS iQube कनेक्टर के नाम से एक ऐप आती है फ्रेंड्स, उसे आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके थ्रू आप अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर को अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। और इन्होंने कनेक्टिविटी के ऑप्शन दिए हैं फ्रेंड्स, जिसमें फर्स्ट कनेक्टिविटी का ऑप्शन है वाया ब्लूटूथ, यानी कि ब्लूटूथ के थ्रू आप अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर को अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं, और सेकंड ऑप्शन है वाया GSM कनेक्टिविटी, तो सर्वर के थ्रू भी आप अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर को अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं कि ऐप के थ्रू क्या क्या फीचर्स हमें मिल जाते हैं। तो अगर आप इसकी ऐप इंस्टॉल करते हैं, तो अपने मोबाइल से ही आप टर्न बाय टर्न नेविगेशन देख सकते हैं तीनों ही मॉडल में,
और इनकमिंग कॉल अलर्ट मिलेगा आपको तीनों ही मॉडल में, और साइड स्टैंड का इंडिकेटर भी मिलेगा तीनों ही मॉडल में, और साथ में ही बैटरी लेवल बताएगा और लो बैटरी इंडिकेटर भी जलेगा तीनों ही मॉडल में। और साथ में एक नया फंक्शन है फ्रेंड DTE, जिसमें ये बताएगा कि डिस्टेंस टू एम्प्टी, यानी कि कितना डिस्टेंस और बच गया है और कितना डिस्टेंस खत्म हो गया है, तो वो भी आपकी ऐप में अवेलेबल रहेगा। एंड फ्रेंड्स इसके साथ ही पार्किंग असिस्ट, रिवर्स असिस्ट इंडिकेटर मिलेंगे, यानी कि अगर आप पार्क कर रहे हैं या फिर रिवर्स कर रहे हैं तो इंडिकेटर्स आपको मिलेंगे। और साथ में ही आप अपना म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हैं, ऐप से आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। तीनों ही मॉडल में आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में फ्लिप की मिलेगी विद LED लाइट, यानी कि एक फ्लिप की मिलती है जो LED लाइट के साथ अवेलेबल है। और तीनों मॉडल में ही आपको USB चार्जिंग मोड भी दिया जाएगा, और साथ में ही प्लेजेंट हॉर्न टोन भी मिलेगी और पार्किंग ब्रेक लीवर भी मिलेगा तीनों ही मॉडल में। तो फ्रेंड्स ये है इन तीनों इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का कंपैरिजन जो कि TVS ने लॉन्च की है। और अगर इसमें हम विजेता की बात करें, यानी कि जो सबसे बेहतरीन स्कूटर इनका निकल के आ रहा है फ्रेंड्स, वो है अब तक का TVS iQube ST। बट ST मॉडल काफ़ी महंगा पड़ जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि वो 1,60,970 रुपये के आसपास पड़ता है, तो इसकी कॉस्ट 1.5 लाख से भी ऊपर की जा रही है फ्रेंड्स। तो उसके हिसाब से 143 किलोमीटर मैं मानता हूँ कि थोड़ी सी कम है। अगर 180 किलोमीटर के आसपास की रेंज होती तो हम इसे ओला S1 प्रो से कंपेयर कर सकते थे फ्रेंड्स, बट इतनी महंगी प्राइसिंग में भी इतनी कम रेंज मिल रही है तो इतना बेनिफिशियल भी नहीं है ये स्कूटर लेना। बट अगर आपको इसकी लुक्स काफ़ी पसंद आ रही हैं, यकीन मानिए फ्रेंड्स स्कूटर चलाने में बहुत ही स्मूथ है, मज़ेदार है, हैवी लुक है, देखने में बहुत प्यारा है, एक स्टाइलिश लुक है, और सारे फीचर्स आपको इसमें अवेलेबल हो जाते हैं सवाल आप लोग। एंड फ्रेंड्स जो सबसे मुख्य इसमें बदलाव है, यानी कि सबसे बड़ा चेंज है, वो इसके कलरिंग में है फ्रेंड्स, क्योंकि अलग अलग वेरिएंट में इन्होंने अलग अलग कलर्स प्रोवाइड किए हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं TVS iQube मॉडल के कलर्स के बारे में। तो TVS iQube मॉडल में आपको सिर्फ तीन ही कलर देखने को मिलते हैं। उसमें सबसे पहला कलर है रेड, सेकंड कलर है ग्रे एंड थर्ड कलर है वाइट। और उसके साथ ही अगर हम कंपेयर करें TVS iQube S को, तो TVS iQube S में आपको चार कलर वेरिएंट्स मिल जाते हैं, जिसमें सबसे पहला आपको मिलेगा डार्क ब्लू, सेकंड आपको मिलेगा येलो कलर, थर्ड आपको मिलेगा एक कॉपर कलर, एंड फोर्थ आपको एक लाइट ब्लू कलर देखने को मिल जाएगा, जो कि चारों ही कलर बहुत ही खूबसूरत लुक प्रोवाइड करते हैं। और इसके साथ ही अगर हम बात करें TVS iQube ST की, तो TVS iQube ST में आपको चार कलर मिलते हैं फ्रेंड्स। उसमें भी सबसे पहला कलर जो है वो है डार्क ब्लू, सेकंड ग्रेइश कलर है, थर्ड एक लाइट कॉपर कलर है, एंड फोर्थ आपको एक ब्राउनिश शेड कलर मिल जाता है, जो कि काफ़ी यूनिक कलर्स हैं। तो TVS iQube ST मॉडल में आपको काफ़ी यूनिक कलर्स देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही अगर हम कंपेयर करें TVS iQube S मॉडल में, तो उसमें आपको बेसिक कलर देखने को मिलेंगे, बट इसका जो सबसे ज़्यादा मॉडल चल रहा है फ्रेंड्स वो है डार्क ब्लू, डार्क ब्लैक एंड ग्रेज कलर। ये तीन कलर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, बहुत स्टाइलिश लगता है इसमें इंसान बैठा हुआ, और ये एक अलग ही लुक प्रोवाइड करते हैं। बट फ्रेंड्स अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट हो इन स्कूटर्स को लेके, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट जरूर क्लियर करूंगा। और अगर आपको किसी और इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में एक फुल रिव्यू वाली वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट जरूर कंप्लीट करूंगा। फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।